हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूँ सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो सिक्स सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी थर्ड, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर टॉपिक्स हमारे एग्जाम के लिए रहने वाले हैं वो हम इस वीडियो के अंदर कम्प्लीटली डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे मिल जाएगी, तो वो चीज़ आप जा करके चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर क्या है, डिटेल के अंदर बताया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स के अंदर आ सकते हैं, तो इस वीडियो को भी आप एंड तक देखिए, आपको चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो को एंड तक देखने से। एंड एंड में हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि जनरली फार्माकोलॉजी के अंदर क्वेश्चन जो हैं वो बनते क्या हैं। ठीक है, सिंपली यही दो चार क्वेश्चन के पैटर्न जो है क्वेश्चन के वो वही सेम ही रहते हैं, तो वो चीज़ हम लोग वीडियो के एंड के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हमारे पास फार्माकोलॉजी के अंदर कौन सी रहने वाली है वो चीज़ हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। सो हमारा जो ये फार्माकोलॉजी थर्ड सब्जेक्ट है इसके अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो रहती हैं वो फर्स्ट यूनिट है, सेकेंड यूनिट है एंड फिफ्थ यूनिट है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट तो हम लोग अच्छे से डिटेल के अंदर पढ़ेंगे ही, लेकिन जो फिफ्थ यूनिट है ना उसका सिलेबस बहुत ही छोटा सा है। एंड मतलब सिंपली मेन तो हमें डेफिनेशन से लर्न करनी है बहुत सारी चीज़ों की, तो इसलिए फिफ्थ यूनिट हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ के जानी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर से क्वेश्चन ऑलमोस्ट कभी कभी 30 मार्क्स तक के पूछ लिए जाते हैं, मतलब 20 से 30 मार्क्स के क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाते हैं, तो हम उसे अच्छे से पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो मेडिसिनल केमिस्ट्री का हमारा सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग फार्माकोलॉजी के जो कंप्लीट यूनिट वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स रहेंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी अस्थमैटिक ड्रग्स, गिव कम्प्लीट फार्माकोलॉजी ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो सबसे पहले एंटी अस्थमैटिक ड्रग्स होती क्या है उसकी डेफिनेशन हमें बतानी है, उसके बाद उसका कम्प्लीट क्लासिफिकेशन हमें बताना है, उसके बाद में एंटी अस्थमैटिक ड्रग्स के अंदर हमारे पास जो क्लासेज आती है उसमें से ब्रोंकोडायलेटर्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ये दोनों क्लासेज जो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसकी कम्प्लीट फार्माकोलॉजी हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता देंगे, देन इनके जनरली एडवर्स इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, यूजेस क्या होते हैं, इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स किस तरीके से होती है, तो वो सारी चीज़ें जो हम लोग यहाँ पर डिटेल के अंदर लिख देंगे। ठीक, सो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास जनरली 10 मार्क्स के अंदर जो है ये बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर एंटी अल्सर एजेंट्स। अब एंटी अल्सर एजेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, देन क्लासीफाई देम, इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन लिखना है, उसके बाद में गिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट्स, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड यूजेस ऑफ एनी वन ड्रग। तो कोई भी एक एंटी अल्सर ड्रग है उसका हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है, एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं वो बताना है, फार्माकोकाइनेटिक्स बताने हैं, उसके यूजेस क्या क्या होते हैं वो बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जो है पूरा कंप्लीट 10 मार्क्स का बनता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी इमेटिक्स इन डिटेल। अब एंटी इमेटिक्स जो है इसकी कंप्लीट फार्माकोलॉजी हमें डिटेल के अंदर लिखनी है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है एंड 10 के अंदर भी आ सकता है। अगर 5 मार्क्स के अंदर आता है तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या होगी, देन क्लासिफिकेशन क्या होगा एंड बहुत ही ब्रीफ के अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो बता देंगे। बाकी अगर ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है तो वहाँ पर हम लोग डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देन कोई भी कुछ ड्रग्स हम लोग ले लेंगे जिनके एडवर्स इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, फार्माकोकाइनेटिक्स, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जनरली एंटी इमेटिक्स वाला क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के अंदर ही आता है, एंटी अल्सर या फिर एंटी अस्थमैटिक इन दोनों में से एक क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स के अंदर आता ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैनेजमेंट ऑफ COPD। COPD जो है इसके मैनेजमेंट के लिए जो ड्रग्स वगैरह यूज़ होती है तो उसके बारे में हमें एक शॉर्ट नोट जो है यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स के अंदर बनता है, COPD का क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट के अंदर ही आता है या फिर इसकी सिंपली फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं कभी तो। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी ट्यूसिव्स। तो एंटी ट्यूसिव्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन एंड क्लासीफिकेशन, इसका शॉर्ट क्वेश्चन ही बनता है, जनरली 2 मार्क्स के अंदर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका क्लासीफिकेशन भी बहुत ही छोटा सा होता है, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही बनता है। नेक्स्ट इज डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट्स और कार्मिनेटिव्स। तो एक्सपेक्टोरेंट्स की डेफिनेशन या फिर कार्मिनेटिव्स की डेफिनेशन जो है बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे एंड इसके अंदर से भी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनमें से क्वेश्चन हर बार ही आता है वो है हमारे पास में एंटी अस्थमैटिक ड्रग्स, एंटी अल्सर एजेंट्स एंड एंटी इमेटिक्स। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आती है यूनिट सेकेंड।
अब यूनिट सेकंड के अंदर हमारे पास क्या कीमोथेरेपी टॉपिक है, उसके जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, देन सल्फोनामाइड्स एंड कॉट्रीमोक्साजोल है, देन उसके बाद में एंटीबायोटिक्स जो है उसकी सारी की सारी क्लासेस जो है वो हम लोग को पढ़नी है, ठीक है। तो इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम के लिए क्या रहेंगे, पहले इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ लिखे हुए हैं, बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसके ऊपर स्टार जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सप्लेन द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपी, तो कीमोथेरेपी जो है इसके जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं वो हमें एक्सप्लेन करना है, तो ये क्वेश्चन जो है जनरली 2 मार्क्स के अंदर ही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफाइन एंड क्लासीफाई सल्फोनामाइड्स, गिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट्स एंड यूजेस ऑफ सल्फोनामाइड्स। तो सल्फोनामाइड्स वाला टॉपिक हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी दोनों के अंदर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसका क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स के अंदर हर बार बनता ही है, ठीक है। तो सल्फोनामाइड्स की डेफिनेशन हमें बतानी है, इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन बताना है, देन सल्फोनामाइड्स जो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, मतलब एक काम किस तरीके से करते हैं, साइड इफेक्ट्स इसके क्या क्या होते हैं, एंड इसके यूजेस क्या होते हैं, वो चीज़ हम लोग को बतानी है, ठीक है। तो कंप्लीट 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है हमारा बन गया, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कॉट्रीमोक्साजोल, तो कॉट्रीमोक्साजोल ये भी जो है हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री यहाँ पर दोनों में ही इंपॉर्टेंट रहता है, इसका क्वेश्चन 2 मार्क्स या 5 मार्क्स के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, तो हमें यहाँ पर कॉट्रीमोक्साजोल के ऊपर एक शॉर्ट नोट जो है वो लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लासीफाई एंटीबायोटिक्स, गिव कम्प्लीट फार्माकोलॉजी ऑफ अमीनो ग्लाइकोसाइड्स, तो एंटीबायोटिक्स जो है इसका कम्प्लीट क्लासीफिकेशन हमें लिखना है, देन अमीनो ग्लाइकोसाइड्स जो है इसकी कम्प्लीट फार्माकोलॉजी हमें बतानी है, मतलब इसका अगर कुछ क्लासिफिकेशन है तो वो लिख देना है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें बताना है, एडवर्स इफेक्ट्स बताने, देन उसके बाद में यूजेस क्या होते हैं वो चीज़ें बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट इज गिव क्लासिफिकेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन विद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो सिफेलोस्पोरिन जो है इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन हमें बताना है, साथ ही साथ उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो भी बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर बनता है, ये वाला जो है वो कंप्लीट 10 मार्क्स के अंदर जो है हमारा क्वेश्चन बनता है। तो अब सेकेंड यूनिट के अंदर से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मतलब हर बार ही रिपीट होकर के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, एक तो सल्फोनामाइड्स है, एक कॉट्रीमोक्साजोल है, एक अमीनोग्लाइकोसाइड्स है, एंड एक सिफेलोस्पोरिन, ठीक है। ये तो हर बार ही एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, बाकी अब कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको एग्जाम के अंदर किस तरीके से लिखना है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक वीडियो बनाई हुई है कि हाउ टू राइट एग्जाम शीट, तो किस तरीके से मतलब हम लोग एग्जाम के अंदर आंसर्स को लिखे, कितने पेजेस हमें कितने मार्क्स से क्वेश्चन के अंदर भरने, तो वो सारी चीज़ें जो एक वीडियो के अंदर हमने अलग से एक्सप्लेन करी हुई है, तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वो चीज़ आप जाकर के चेक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आती है यूनिट थर्ड, ठीक है। यूनिट थर्ड में से कौन से क्वेश्चन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो सबसे पहले तो इसके सिलेबस के अंदर टोटल 7 क्लासेस जो हमें दी गई हैं, जो कि कहीं ना कहीं एंटी माइक्रोब्स के अंदर आती है, जैसे एंटी फंगल हो गई, एंटी वायरल हो गई, एंटी मलेरियल हो गई, एंटी लेप्रोटिक, तो ये सारी की सारी क्लासेस जो है वो कहीं ना कहीं एंटी माइक्रोबियल के अंदर आती है, ठीक है। तो इसके अंदर से हमारे पास जो क्वेश्चन टॉपिक्स रहेंगे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला क्वेश्चन, क्लासीफाई एंटी ट्यूबिकुलर एजेंट्स, राइट इन डिटेल अबाउट फर्स्ट लाइन ड्रग्स, तो एंटी ट्यूबिकुलर एजेंट्स का कंप्लीट क्लासिफिकेशन लिखना है, देन इसके अंदर ये क्लास आती है हमारे पास में जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है उसके बारे में कंप्लीटली डिटेल के अंदर हमें यहाँ पर लिखना है, तो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास 10 मार्क्स के अंदर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफाइन एंटी लेप्रोटिक एजेंट्स और एंटी अमीबिक एजेंट्स, तो ये 2 मार्क्स के अंदर हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि या तो एंटी लेप्रोटिक एजेंट्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं, या फिर एंटी अमीबिक एजेंट्स क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन जो है वो पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज गिव फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी फंगल एजेंट्स, तो एंटी फंगल एजेंट्स की कंप्लीट फार्माकोलॉजी हमें यहाँ पर बतानी है, मतलब सबसे पहले एंटी फंगल एजेंट्स होते क्या हैं इसकी डेफिनेशन, देन इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन, देन इसका जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। 5 मार्क्स के अंदर आएगा तो ये 3 चीज़ हम लोग मेंशन करेंगे, एंड अगर 10 मार्क्स के अंदर आता है तो कोई एक ड्रग को हम लोग ले लेंगे एंड देन उस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता देंगे, उसके एडवर्स इफेक्ट साइड इफेक्ट्स क्या होंगे वो बता देंगे, उसके यूजेस क्या होंगे वो बता देंगे, तो इस तरीके से 10 मार्क्स के अंदर हम लोग इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी वायरल ड्रग्स, तो एंटी वायरल ड्रग्स क्या होते हैं इसके डेफिनेशन एंड इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पर बताना है, देन गिव फार्माकोलॉजी ऑफ एनी वन क्लास इन डिटेल, तो एंटी वायरल ड्रग्स के अंदर जो अलग अलग क्लासेस आती है उसमें से कोई भी एक क्लास की कंप्लीट फार्माकोलॉजी जो है हमें यहाँ पर बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर एंटी मलेरियल ड्रग्स, क्लासीफाई देम, डिस्कस फार्माकोलॉजी ऑफ एनी वन सच ड्रग, तो सबसे पहले एंटी मलेरियल ड्रग्स होते क्या इसकी डेफिनेशन हमें बतानी है, उसके बाद में इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन हमें बताना है, उसके बाद में कोई भी एक ड्रग जो है उसकी कंप्लीट फार्माकोलॉजी हमें बतानी है, मतलब उस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है, उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे, देन उसके यूजेस क्या होंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। अब अगर हम लोग एक चीज़ देखें तो हमारे पास मेडिसिनल एंड जो हमारे पास यहाँ पर आगे फार्माकोलॉजी दोनों के अंदर ही
एंटी मलेरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी मेडिसिनल के अंदर एंटी ट्यूबिकुलर एजेंट्स जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फार्माकोलॉजी के अंदर ये वाला टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के अंदर पूछे ही जाते हैं वो है एंटी ट्यूबिकुलर एजेंट्स एंड एंटी वायरल ड्रग्स, ठीक है। ये दोनों जो है ये थर्ड यूनिट में से क्वेश्चंस बहुत बार आता ही आता है। नाउ नेक्स्ट आती है यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ के अंदर हमारे पास कीमोथेरेपी वाला टॉपिक ये कंटिन्यू हो रहा है। इसके अंदर हम लोग को यूटीआई जो है यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर जो इन्फेक्शन होते हैं उसके ट्रीटमेंट के अंदर क्या क्या ड्रग्स आती है वो हमें पढ़ना है। देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती हैं उनके ट्रीटमेंट के अंदर कौन सी ड्रग्स काम आती है। देन मैलिग्नेंसी, मतलब कहीं ना कहीं मैलिग्नेंसी का मतलब कैंसर ही होता है, तो एंटी कैंसरस ड्रग्स जो है जो हम लोगों ने पहले मेडिसिनल के अंदर पढ़ी हुई हैं वो हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। देन इम्यूनो स्टिमुलेंट्स के बारे में, इम्यूनो सप्रेसेंट्स के बारे में जो है हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट यूनिट जो है फोर्थ यूनिट, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये तीन टॉपिक्स हमारे पास रहते हैं। एक तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो है इसके ट्रीटमेंट के अंदर जो ड्रग्स काम आती हैं, देन इम्यूनो सप्रेसेंट्स एंड इम्यूनो स्टिमुलेंट्स, ठीक है। ये तीन टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, जैसे राइट डाउन द कीमोथेरेपी फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो होते हैं इनके लिए कीमोथेरेपी, तो कीमोथेरेपी का मतलब है केमिकल्स की मदद से थेरेपी, मतलब केमिकल्स की मदद से ट्रीटमेंट, मतलब इसका जो मतलब होता है वो ड्रग्स ही होता है कि हम किसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के अंदर ड्रग्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के अंदर जो ड्रग्स यूज़ होती है उसके ट्रीटमेंट के अंदर वही चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है। तो ये क्वेश्चन जनरली 5 मार्क्स के अंदर जो हमसे पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज गिव फार्माकोलॉजी ऑफ इम्यूनो सप्रेसेंट्स। तो इम्यूनो सप्रेसेंट्स की कंप्लीट फार्माकोलॉजी हमें बतानी है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट डिफाइन इम्यूनो स्टिमुलेंट्स, गिव एग्जांपल्स। तो अब इम्यूनो स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन हमें बतानी है, इसके एग्जांपल्स जो है वो लिखने हैं, तो ये क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये तीन टॉपिक्स जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आती है यूनिट फिफ्थ। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के अंदर ही बताया था, यूनिट फिफ्थ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास है। इसके अंदर मेन टॉपिक्स जो हैं वो दो आते हैं, एक तो प्रिंसिपल्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी एंड दूसरा क्रोनो फार्माकोलॉजी, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी जो है इसके अंदर बहुत ही, मतलब मेनली जो है हमें डेफिनेशंस ही पढ़नी है, उसके बाद में कभी कभी जो है वो शॉर्ट नोट करके आ जाता है, तो थोड़ा बहुत 5 मार्क्स का मैटर जो है हमें हर एक टॉपिक के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्यूट टॉक्सिसिटी। तो एक्यूट टॉक्सिसिटी क्या होता है इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट जो हमें लिखना है, तो ये 5 मार्क्स के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। एंड 2 मार्क्स के अंदर सिंपली डेफिनेशन जो है वो तो कभी भी पूछी जा ही सकती है, इस यूनिट में से डेफिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत सारे इस यूनिट में से बनते हैं, ठीक है। दूसरा आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टेरेटोजेनेसिटी, तो इसका भी हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर या 2 मार्क्स के अंदर जो क्वेश्चन है वो आ सकता है। देन डेफिनेशन हमसे पूछी जाती है सब एक्यूट टॉक्सिसिटी की, क्रॉनिक टॉक्सिसिटी की, जीनोटॉक्सिसिटी की, कार्सिनोजेनिसिटी, म्यूटाजेनिसिटी एंड रिदम एंड साइकिल। रिदम एंड साइकिल की डेफिनेशन तो ऑलमोस्ट ना हर बार ही पूछी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इन सब की डेफिनेशन, मतलब 2 मार्क्स के अंदर जो ये सारे क्वेश्चन हमारे पास पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लिनिकल सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ बारबिट्यूरेट पॉइजनिंग और मॉर्फिन पॉइजनिंग। तो यहाँ पर हमें बारबिट्यूरेट पॉइजनिंग जो है इसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका मैनेजमेंट किस तरीके से करा जाता है वो चीज़ बतानी है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स के अंदर आ सकता है, मेनली जो है 5 मार्क्स के अंदर ही आता है। दूसरा मॉर्फिन पॉइजनिंग जो है इसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका मैनेजमेंट किस तरीके से करा जाता है, ये भी बहुत बार 5 या 10 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। तो पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए जो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट जो है वो हमें लिखना है। जैसे हमारे सिलेबस के अंदर क्या है कि जो मैनेजमेंट या फिर ट्रीटमेंट जो है बहुत सारे टाइप की पॉइजनिंग का दे रखा है, तो जब हम जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ लेंगे कि किस तरीके से पॉइजनिंग जो है इसका ट्रीटमेंट करा जाता है, तो उसे हम अगर कहीं से भी क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पर हम लोग उसे शॉर्ट के अंदर मतलब अपने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला टॉपिक जो है ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लॉक, डिस्कस रूल ऑफ सिकैडियन रिदम इन अकरेंस एंड सीवियरिटी ऑफ डिजीजेस। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो होता क्या है, उसकी सिंपली डेफिनेशन बतानी है। उसके बाद में जो सर्कैडियन रिदम होती है इसका क्या रोल रहता है किसी भी डिजीज़ के होने में एंड उसको सीवियर होने में, मतलब बीमारी, एक तो बीमारी होती है और एक बीमारी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है, तो उसके अंदर सर्कैडियन रिदम का क्या रोल रहता है वो चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत बार हमारे पास पूछा जाता है। लास्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रोनोथेरेपी। तो जो हमारे पास क्रोनो फार्माकोलॉजी है इसके अंदर क्या है, हमारे पास अलग अलग बीमारियाँ हो जाती हैं
बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होने की वजह से या रिदम एंड साइकिल्स डिस्टर्ब होने की वजह से, तो उसके ट्रीटमेंट के अंदर जो ड्रग्स वगैरह हमारे पास काम आती है वही यहाँ पर हमें मेंशन करनी होती है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट जो 5 मार्क्स के अंदर हमारे पास बहुत बार पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो सीधे सीधे 10 मार्क्स के अंदर हमारे पास आता है। इन जनरल प्रिंसिपल्स वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो 5th यूनिट के अंदर से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास एक तो एक्यूट टॉक्सिसिटी, देन टेराटोजेनिसिटी, देन क्रॉनिक टॉक्सिसिटी, देन म्यूटाजेनिसिटी, देन रिदम एंड साइकिल, ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। देन बारबिट्यूरेट पॉइजनिंग वाला टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। देन एक ये वाला क्वेश्चन, मतलब इसके अंदर एक क्रोनोथेरेपी को भी इंक्लूड करा जा सकता है, तो इसकी वजह से बीमारियाँ कैसे होती हैं, इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, ये कंप्लीट जो है ये वाला टॉपिक भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, एंड 5th यूनिट में से ओवरऑल क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो अगर हम इसका जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली पढ़ लेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर 5वें यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो डिस्कस कर लिया। एंड इसके PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जनरली फार्माकोलॉजी के अंदर अगर हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थे उन सबको देखें तो जनरली हमारे पास क्या क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कोई भी एक क्लास है हमारे पास में, ठीक है, जैसे हमारे पास हो गई है एंटीवायरल ड्रग्स, तो सबसे पहले एंटीवायरल ड्रग्स जो है वो होती क्या, उसका डेफिनेशन हमें लिखना होगा। देन उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन हमसे पूछ सकता है, देन उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमसे पूछ सकता है, देन एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं उसके, एंड यूजेस क्या होते हैं। मेनली अगर हम देखें तो यही क्वेश्चंस जो है हमारे पास आए हुए हैं। जैसे किसी चीज़ के ऊपर शॉर्ट नोट आ गया तो वहाँ पर हम लोग उसका डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन लिख देते हैं, या फिर सीधे सीधे हमसे पूछ लिया गया एंटीवायरल एजेंट्स लिख करके हमारे पास क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पर भी हम लोग डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है यही मेंशन करते हैं। ठीक है, तो सिंपली एंड मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है फार्माकोलॉजी के अंदर वो यही है कि कोई भी एक क्लास है उसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट्स एंड यूजेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करना था वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।